सुदीप कुमार सदर विधायक गिरिडीह। कमर्शियल के पास हम नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया, उस समय डीवीसी का 4500 करोड़ रुपया बकाया था, उस समय डीवीसी के पेट में दर्द नहीं था। ये आज 4995 करोड़ का बकाया जो आप दिखा रहे हैं वो 2.5 महीना के हेमंत सरकार का नहीं है। आप सवाल इस बात का है कि गिरिडीह में बिजली नहीं रहेगी, झारखंड में आपका प्लांट रहेगा, हमारे कोयले से आप बिजली बनाइएगा, हमारे लोगों को विस्थापित कीजिएगा और बिजली नहीं दीजिएगा, उठा के ले जाइए सब यहां से, झारखंडी को नहीं चाहिए डीवीसी। नहीं सर, जब तक बिजली बहाल नहीं होगा तब तक आपका प्राइवेट कंज्यूमर को भी बिजली हम लोग नहीं देंगे। एकदम पता करा लिया, जिस समय भाजपा की सरकार यहां थी तब तक डीवीसी को तकलीफ नहीं हुआ, उस समय 16 घंटा 18 घंटा का रेगुलेशन नहीं आया, उस समय तकलीफ से 18 घंटा का रेगुलेशन क्यों नहीं किया? नहीं नहीं चलेगा ही, या तो आपको बिजली देना होगा और नहीं तो आपके प्राइवेट कंज्यूमर का बिजली बंद रहेगा। कोई बात नहीं, हमको बिजली चाहिए, बाकी आपको कैसे समझना समझिए, हमने आपके सब स्टेशन के लोगों को कह दिया है कि ये जब तक आप बिजली बहाल नहीं कीजिएगा आपके प्राइवेट कंज्यूमर को बिजली नहीं जाएगी। आप सॉल्यूशन अपने पदाधिकारी सुनिए, हमको तो यही सॉल्यूशन निकालना है, हमको नहीं कराएंगे एकदम। जो आप मुझे समझ रहे हैं वही समझिए, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल। सरकार को परवाह नहीं करना, जनता दोषी नहीं है, जनता जिसने बिजली बिल का भुगतान किया वो दोषी नहीं है और आपको बिजली देना होगा। नहीं दीजिएगा तो बंद कीजिए, आप प्राइवेट कंज्यूमर का बिजली बंद करो, चलो बात करके इनसे कोई फायदा नहीं, बंद कीजिए।